हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरके मलिक। मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केंद्रीय विद्यालय का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है कैसे बनता है, इसका मेजरमेंट क्या है और एक फॉर्मेट इसका कैसे होता है, इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। और एक बात है, इसका जो PhD फाइल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आप पासवर्ड आपको पता चल जाएगा, आप वहीं से पासवर्ड दे के डाउनलोड करके आप एडिट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा रखा हुआ है, इसको हम डबल क्लिक करेंगे। देखिए CS3 मैं यूज़ कर रहा हूँ, और व्हाट्सअप CS3, आप चाहें तो व्हाट्सअप 7 या कोई भी वर्सन में आप इसको काम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँगा, ये पूरा का पूरा जो लेटर है, मैं एक ही लेटर दिया हूँ, फॉन्ट्स दिया हूँ, ये है एरियल फॉन्ट्स। मैं एरियल फॉन्ट्स यूज़ किया हूँ, दूसरा फॉन्ट्स कुछ भी यूज़ नहीं किया हूँ। आप चाहें तो इसको आप एरियल फॉन्ट्स, और जो दूसरा फॉन्ट्स एक दिया गया है, अगर आपके पास नहीं है, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसका बैकग्राउंड, देखिए मैं पूरा का पूरा ये लहर यहाँ भरा पड़ा हुआ है। मैं आपको टाइप करके नहीं दिखाऊंगा, डिजाइन करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि हम अगर डिजाइन करेंगे तो 2 घंटा लग जाएगा, लेकिन मुझे 5-7 मिनट में वीडियो ख़त्म करना है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा। और ये जो सेट किया हुआ है, मैं एक के बाद एक खोल के आपका बताऊंगा। पहले ले लेंगे हमारा बैकग्राउंड, आपका आप सब देखे होंगे कि ये जो आपका केंद्रीय विद्यालय जो संगठन का जो स्कूल का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, बैकग्राउंड इसी कलर में होता है। और ऊपर लोगो और नेम लिखने के लिए ऐसे एक पेज आता है, यहाँ देखिए ऐसे एक आता है। अगर आप चाहें तो इसे भी आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ना, आप जाएंगे पेन टूल में बनाएंगे, पेन टूल, पेन टूल में जाएंगे, देखिए मैं यहाँ बाहर कर देता हूँ आपको। पहले आप यहाँ क्लिक कर दीजिएगा, इसके बाद यहाँ क्लिक कर दीजिएगा, और देखिए इसका आप राउंड कर सकते हैं, राउंड, ठीक है। और ऑल्टर की प्रेस करते हुए यहाँ ले आएंगे, और यहाँ आके आपका शिफ्ट बटन प्रेस करते हुए, और यहाँ शिफ्ट, और यहाँ शिफ्ट, और यहाँ नीचे ले आएंगे, ऐसे आपका बन जाएगा। और इसको राइट क्लिक करेंगे, मैक सिलेक्शन करेंगे, यहाँ 0 रखेंगे। और ये जो कलर है, ये कलर आपका मैं यहाँ ले लेता हूँ, आप थोड़ा डार्क ब्लू ले लेंगे। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ न्यू लेयर कर दूंगा, और अल्टर बैकस्पेस में देखिए, अल्टर बैकस्पेस ये नीचे आ गया है, देखिए हमारा ये जो बन गया है, ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ऐसे बनेगा। मैं तो इसको पहले से बना चुका हूँ, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ ऐसे। तो इसके बाद मैं यहाँ एक राउंड लाएंगे, राउंड देखिए यहाँ राउंड लोगो लगाने के लिए ये पूरा क्लिपिंग मास्क करेंगे। तो यहाँ एक सर्कल एक रखा हुआ है यहाँ, और हमने लोगो को एक क्लिपिंग मास्क किए हैं, यहाँ हमने रख दिए हैं लोगो। और यहाँ रखेंगे हमारा जो नेम रखेंगे, केंद्रीय विद्यालय, जो केंद्रीय विद्यालय बालेश्वर जो होता है आपका, देखिए ऊपर वाला ये वाला केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, ये बालेश्वर में 2 केंद्रीय विद्यालय है। यहाँ केंद्रीय विद्यालय का आप जो आपका नंबर 1 होगा या 2 होगा, या सिर्फ केंद्रीय विद्यालय आप लिख सकते हैं। इसके बाद इसका एड्रेस, मेरा मतलब है बालेश्वर में हमारा अजमार्ग बालेश्वर उड़ीसा 75601 लिखा हुआ है, आपका जो एड्रेस होगा आप चेंज कर देंगे। ये पूरा का पूरा एडिट टेबल में है, देखिए टाइप टूल मैंने ये किया है, इसका अगर हम सिलेक्शन करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ये लेयर फाइल है, कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ एक फोटो लगाने के लिए यहाँ एक बॉक्स लेंगे, ये देखिए इसको हमने रख दिए हैं फोटो लगाने के लिए, ये वाला हिस्सा। और हमने एक फोटो डाउनलोड करके रखा हुआ है, केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट है ये, तो इसका फोटो हमने यहाँ रख लिए हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे इनका नाम लिखेंगे, ये जो बच्चे का नाम लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे नाम, बच्चे का नाम हमने यहाँ लिख दिए हैं काजल अग्रवाल। तो बच्चे का नाम अगर आप फोटो रखने के नीचे बच्चे का नाम लिख देंगे, कोई बात नहीं। और यहाँ नीचे रखेंगे आपका जो आइडेंटिटी कार्ड का नीचे रखेंगे, हम रखेंगे आइडेंटिटी कार्ड लिखेंगे, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड हमेशा लिखा होता है, हम लिखेंगे आइडेंटिटी कार्ड, देखिए हमने यहाँ आइडेंटिटी कार्ड लिख दिए हैं। और इसका एक रहेगा आपका पेज, रहेगा पेज जैसा ब्लू जैसा, देखिए यहाँ आप ब्लू कर सकते हैं या ब्लैक भी कर सकते हैं, कोई कोई स्कूल में आपका ब्लैक दिखेगा और कोई कोई स्कूल में डीप ब्लू, मतलब वो केंद्रीय विद्यालय जो संगठन होता है उनका जो कलर होता है पूरा डीप ब्लू होता है। आप चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ा डीप कम कर सकते हैं, थोड़ा लाइट कर सकते हैं, लेकिन ये कलर आपका रखना चाहिए, ये वाला आइडेंटिटी कार्ड ये
यहाँ लिख दीजिएगा ऐसे। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हर किसी जो यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ है या सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं, सब लेयर फाइल है आपका। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इस लेफ्ट साइड में जो होता है फोटो के साइड में, फोटो के राइट साइड में हम रखेंगे। और इसके रखेंगे ऊपर रखेंगे हम फादर, सबसे ऊपर फादर, फादर। इसके ऊपर रखेंगे हम आईडी, सबसे ऊपर क्या रहेगा, स्टूडेंट्स आईडी रखेंगे सबसे ऊपर। इसके ऊपर जो सीरियल होता है ये सेम रहता है, हर कोई स्कूल का सेम रहता है। तो ऊपर आप रख दीजिएगा स्टूडेंट आईडी, जो भी उसका नंबर होगा यहाँ लिख दीजिएगा। इसके नीचे आप रखेंगे फादर, फादर के नीचे रखेंगे मदर। ठीक है, देखिए मैं मदर लिखा हूँ, मैं ऐसे करके क्या क्या लिखा होगा मैं पहले रख देता हूँ। इसके बाद आपका क्लास और सेक्शन, इसके बाद जेंडर, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ रखेंगे डेट ऑफ बर्थ, और इसके बाद रखेंगे ग्रुप, और इसके बाद मोबाइल नंबर, इसके बाद एड्रेस, और इसके बाद ईमेल, ऐसे रहेगा। और ये जो ग्रुप 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 मतलब ब्लड ग्रुप, ये जो ब्लड ग्रुप का एक सिंबल आप यहाँ दे दीजिएगा, सिंबल यहाँ दे दीजिएगा। देखिए यहाँ ब्लड ग्रुप, इसका मतलब ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ड्रॉप है, ये ग्रुप, ऐसे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, और इसके नीचे रखेंगे सिग्नेचर, प्रिंसिपल सिग्नेचर रखेंगे नीचे। ठीक है, यहाँ नीचे इसके नीचे रख देंगे प्रिंसिपल सिग्नेचर, या आप सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल जो भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इनका जो फॉर्मेट है प्रिंसिपल सिग्नेचर यहाँ लिखा होता है। तो इसके ऊपर रखते हैं हम सिग्नेचर का, रख देते हैं यहाँ। देखिए ये स्कैन किया हुआ है, आपका जो स्कूल में आप बनाना चाहेंगे तो वहाँ का जो प्रिंसिपल होंगे उनका जो सिग्नेचर आप यहाँ दे दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टूडेंट आईडी क्या है, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, क्लास क्या है, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ, हर डाटा हम यहाँ फिलअप करेंगे। फिर इसके बाद हम कलन दे देंगे, यहाँ देखिए पूरा का पूरा कलन दिया गया है। ऐसे करके देखिए इधर उधर नहीं हो रहा, पूरा सेम टू सेम है, पूरा सेम टू सेम है। अगर आप गाइडलाइन यहाँ लाएंगे तो देखिए पूरा सेम टू सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पूरा डाटा हमने भर दिए हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट आईडी कितना है, आप चाहें तो इसको जो भी आपका स्टूडेंट आईडी जो होगा आप यहाँ भर दीजिएगा, हर कोई स्टूडेंट का अलग अलग होता है। इसके बाद हम रखेंगे फादर्स नेम। ठीक है, फादर्स नेम रखेंगे, हमने यहाँ फादर्स नेम रख दिए हैं। इसके बाद हम रखेंगे मदर्स नेम। इसके बाद रखेंगे आपका ये जो क्लास सेक्शन रखेंगे, क्लास जो भी होगा आपका क्लास आप यहाँ दे दीजिएगा, हमने रख दिए हैं यहाँ 11A, इसका मतलब प्लस टू फर्स्ट ईयर, 11, 11th क्लास, केंद्रीय विद्यालय में 11th बोलते हैं। और इसके बाद आपका जेंडर रखेंगे, एक्चुअली हम जेंडर में मेल या फीमेल रखते हैं, लेकिन ये स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड है इसलिए आप जेंडर में गार लिखेंगे, गार लिखेंगे, या आप अगर बॉयज़ के लिए कार्ड बना रहे हैं तो बॉयज लिखेंगे, जेंडर में गार या बॉयज, मेल फीमेल मत रखिएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप दे दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आप ऐसे आपका वार्ड में लिखना चाहिए, मार्च 20, 2005, अगर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा बच्चों का आप यहाँ दे दीजिएगा। देने के बाद ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप आप दे दीजिएगा, ब्लड ग्रुप हो गया आपका बी माइनस, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव आप दे दीजिएगा आपका। इसके बाद आप मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, मोबाइल नंबर देने के बाद एड्रेस दे दीजिएगा, एड्रेस अगर आप हो सके तो एक लाइन में, जो अगर हो जाता है एक लाइन में कर दीजिएगा, नहीं तो अगर होगा तो दो लाइन में, अगर आप ये फॉर्मेट दो लाइन का है आप चाहें तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं। अगर आप एक लाइन में लिखेंगे तो एज ईमेल को आप थोड़ा सा ऊपर लाएंगे, इसी लाइन में लाएंगे, अगर आप दो लाइन में लिखेंगे तो ईमेल जहाँ पर है वहीं पर रहने दीजिएगा, और ईमेल जो यहाँ हम लिख देंगे। देखिए अभी हमारा जो आइडेंटिटी कार्ड है ये पूरा का पूरा यहाँ बन गया है, देखिए पूरा का पूरा, ऊपर स्कूल का नाम, इसके नीचे आपका एड्रेस रहेगा, इसके बगल में लेफ्ट साइड में आपका लोगो रहेगा, यहाँ आपका स्टूडेंट का फोटो रहेगा, इसके बाद आपका स्टूडेंट का नेम रहेगा, इसके नीचे आइडेंटिटी कार्ड रहेगा, और लेफ्ट साइड में यहाँ आपका स्टूडेंट्स, फादर्स, मदर, क्लास, सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ, ग्रुप, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल रहेगा, और हर कोई बच्चे का डाटा राइट साइड में हम
रख दी। यहाँ देखिए, एक मैंने क्या किया है कि ये जो स्टूडेंट आईडी, फादर्स मदर्स, ये पूरा नैरो लेटर में रखा हुआ है, और ये जो आपका राइट साइड में जो डाटा रखा हुआ है ये बोल्ड लेटर मैंने कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसको दोनों का ब्लड बोल्ड कर दीजिएगा, नहीं तो आपको इसको भी नैरो और इसको भी नैरो कर दीजिएगा, और चाहें तो इसको भी बोल्ड और इसको भी बोल्ड कर दीजिएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करें, कैसे अच्छा लगेगा। मुझे तो एसी वाला अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ यह दे दिया। ये जो फॉन्ट्स है, ये फॉन्ट्स मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ जो ब्लू हाईवे, ये फॉन्ट्स है। अगर आपके पास नहीं है, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नहीं तो आप क्या करेंगे ना, एरियल फॉन्ट्स लेके भी आप काम कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पूरा का पूरा एरियल फॉन्ट से, ये भी एरियल फॉन्ट से, ये एरियल फॉन्ट से, एरियल, ये पूरा का पूरा एरियल फॉन्ट से। आप चाहें तो एरियल फॉन्ट में भी काम कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो, कैसे सेटिंग करेंगे, क्या करेंगे, इसका मेजरमेंट क्या है, क्या कलर क्या है, आप मैंने भर दिया है, पूरा का पूरा आपको बता दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल क्रिएटर रतिकांत को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये पीएचडी फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके आप खुद बना सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगा, आप यहाँ से डाउनलोड करके, आप एडिटेबल फॉन्ट्स दिया गया है, आप एडिट करके आप इसको काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय हिंद।